अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने स्टार्ट किया हुआ यूनिट नंबर 4, न्यू बुक नेशनल बुक फाउंडेशन का। और यूनिट का नेम है डायनेमिक्स 2। और जो टॉपिक आज हमने करना है वो है रोलिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है वो हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, आज हमने उसकी टाइप्स करनी है। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है? रोलिंग फ्रिक्शन बेसिकली आपके पास क्या होती है, फ्रिक्शन बेसिकली क्या होता है, फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को रोकती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो उसको कोशिश करेगी कि ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड कम कर दे या बिल्कुल रुक जाए। और ये किस तरह से करता है वो हम फ्रिक्शन वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं डिटेल में, कि किस तरह से उसमें क्रैक्स आते हैं और किस तरह से फ्रिक्शन बनती है, उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, उसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं और क्यों रोलिंग फ्रिक्शन जो है हम यूज़ करते हैं, इसको प्रेफर करते हैं स्लाइडिंग को नहीं करते। तो आपने ये लेक्चर सारा जो है वो प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हो, उसके बाद देन आप रोलिंग फ्रिक्शन पर आइएगा ताकि आपको फ्रिक्शन क्या होता है वो क्लियर हो। अब रोलिंग फ्रिक्शन नाम से पता लग रहा है, जो ऑब्जेक्ट रोल होता हुआ जाएगा उसके ऊपर क्या फ्रिक्शन लगती है वो देखने। जैसे ये टायर है, ये ऑब्जेक्ट है, ये आपके पास क्या करता है, रोल करता हुआ जाएगा इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो इसके ऊपर जो लगेगी फोर्स उसको हम कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। तो इट इज़ अ फोर्स डेट अपोज द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को रोकेगी। ये ऑब्जेक्ट मोशन करता हुआ जा रहा है, मोशन कैसे कर रहा है, ये रोल होता हुआ जाएगा, इधर जाएगा इधर जाएगा, रोल होता जा रहा है। एज इट रोल्स ओवर अ सर्फेस, जब ये सर्फेस के ऊपर रोल करेगा तो ये उसकी मोशन को क्या करेगी, रोकेगी। जो फोर्स उसकी मोशन को रोकेगी उसको हम कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। इट इज़ लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये हमेशा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होती है। क्यों? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी है और ये आपके पास जो है वो इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी बन सकता है। क्या है कि रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम क्यों होती है, इसको हम पहले समझते हैं। हमने जो देखा था तो बॉल बेयरिंग वाला भी ये मेथड था। बेसिकली क्या होता है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होती है, हम कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, ये सरफेस है और ये इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। जब ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर चलता हुआ जाएगा, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं स्लाइडिंग, क्योंकि ये इसके ऊपर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो ये हमारे पास स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगी, जो इसकी इसकी मोशन को रोकेगी वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगी। अब एक ऑब्जेक्ट है वो इसके ऊपर क्या करता हुआ जा रहा है, रोल करता हुआ जा रहा है, पहले इधर आया फिर इधर आया, इसको रोल करता हुआ जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन, क्योंकि ये सरफेस के ऊपर क्या कर रहा है, रोल कर रहा है। तो ये हो गई रोलिंग फ्रिक्शन। अब वो कहते हैं कि जो स्लाइडिंग होती है, स्लाइडिंग में फ्रिक्शन हमारे पास ज़्यादा लगती है। जब ऑब्जेक्ट ऐसे सड़क के ऊपर या किसी भी ऑब्जेक्ट पे ऐसा चलता हुआ जा रहा है, कैसे एग्जांपल है, जैसे आप किसी फर्श के ऊपर किसी डब्बे को घसीटो तो उस पर जो है स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगी। अगर कोई टायर है या वो रोल होता हुआ जा रहा है तो उस पर फ्रिक्शन कम लगती है। ऐसा क्यों है कि जब ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है सरफेस के ऊपर तो उसके ऊपर ज़्यादा लग रही है फ्रिक्शन, और जो अगर ऑब्जेक्ट वही ऐसे रोल खाता हुआ जा रहा है तो उसके ऊपर कम लग रही है। क्यों? क्योंकि जब एक ऑब्जेक्ट रोल करता हुआ जाएगा तो उसका इस सरफेस के साथ कॉन्टैक्ट जो है, कॉन्टैक्ट एरिया वो कम है, ठीक है, क्योंकि पहले वो इधर गया, कॉन्टैक्ट एरिया से देखो इतना सा यूज होता है, इतना सा, लेकिन ऑब्जेक्ट है उसने जाना ही इधर घसीटते हुए, तो उसका तो कनेक्शन इसके साथ ज्यादा है, तो इसका कॉन्टैक्ट एरिया इसके साथ क्या है, ज्यादा, इसमें कॉन्टैक्ट एरिया क्या है, कम। जब कॉन्टैक्ट एरिया कम है तो फ्रिक्शन क्या होगी, कम, और इसमें कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा है तो फ्रिक्शन भी क्या लगेगी, ज़्यादा, क्योंकि दो सरफेस के दरमियान ही फ्रिक्शन होती है। जब इनका आपस में कनेक्शन ही हमेशा रहना है, कॉन्टैक्ट एरिया ही ज़्यादा रहना है तो फ्रिक्शन तो ज़्यादा होगी। इसमें तो इसने रोल करते वैसे जाते जाना है तो कॉन्टैक्ट एरिया इसके साथ, ठीक है, पहले इतना हुआ, बाकी तो ये ऊपर है ना सर्फेस से, तो इस तरह से इधर गया इधर गया तो कॉन्टैक्ट एरिया इसका कम है, तो इस पर फ्रिक्शन भी क्या लगेगी, कम। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि वाई रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन बिकॉज व्हेन ऑब्जेक्ट रोल्स ओनली स्मॉल एरिया ऑफ सर्फेस इज इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड। छोटा सा एरिया जो होता है वो इन कॉन्टैक्ट होता है ग्राउंड के साथ, सो दिस रिड्यूसेस द रेजिस्टेंस, या वो रुकावट को इसलिए रोकता है, सो हमारे पास फ्रिक्शन क्या होती है, कम, एंड मेक इट ईजी टू मूव। हमारे पास चीज़ें ईजी से मूव कर सकती हैं, जैसे आपके पास जो टायर्स होते हैं वो रोड के ऊपर ईजी मूव क्यों कर सकते हैं, क्योंकि वो रोल कर रहे होते हैं, फ्रिक्शन कम होती है, रुकावट कम होती है। तो इन स्लाइडिंग फ्रिक्शन में मोर सरफेस एरिया इज इन कॉन्टैक्ट, ज़्यादा सरफेस एरिया कॉन्टैक्ट में होता है, एंड ग्रेटर रेजिस्टेंस और रुकावट ज़्यादा होती है, सो फ्रिक्शन इज़ हाई, इसलिए वहाँ पे फ्रिक्शन क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब नेक्स्ट है फ्लूड फ्रिक्शन। फ्लूड क्या होते हैं, कोई भी लिक्विड्स। अब फ्लूड में ना आपके पास गैसेज और लिक्विड्स दोनों फ्लूड होते हैं, ये क्यों होते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गैसेज और लिक्विड्स जो होते हैं फ्लूड इसलिए होते हैं क्योंकि गैसेज में भी आपके पास इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बेसिकली कम होती हैं, मतलब ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वैसे दूर दूर होते हैं तो वो इजीली इधर उधर मूव कर सकते हैं। और लिक्विड्स में भी क्या होते हैं, इनके दरमियान गैप्स कम होते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम होती हैं, तो ये भी इजीली इधर उधर मूव कर सकते हैं, तो ये इसीलिए इनको फ्लूड्स बोला जाता है क्योंकि ईजिली मूव कर सकते हैं। तो इट इज़ द रेजिस्टेंस एन ऑब्जेक्ट फील्स व्हेन इट मूव्स थ्रू फ्लूड। फ्लूड फ्रिक्शन मतलब कि अगर कोई लिक्विड चीज़ें हैं उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट को भी जो है वो रुकावट का सामना करना पड़ेगा, उसको हम बोलते हैं फ्लूड फ्रिक्शन। जैसे आपके पास एक शहद है, शहद के ऊपर आप एक चीज़ को, ये शहद पड़ा हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर आप एक ऑब्जेक्ट को रख दो और आप उसको मूव करवाओ तो मुश्किल होगा ना मूव करना, वो नहीं मूव करेगा, बहुत मुश्किल से करेगा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन ज़्यादा होती है,
तो लिक्विड, हालांकि शहद क्या लिक्विड की तरह ही है ना, तो इसीलिए आपके पास फ्लूइड्स पे भी फ्रिक्शन लगती है। अब ये जो फ्लूइड फ्रिक्शन है, इसका न्यूटन के थर्ड लॉ के साथ किस तरह से, न्यूटन के थर्ड लॉ के साथ इसका कनेक्शन होता है, क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन। आप कोई भी एक्शन करोगे वो पलट के वो आपको रिएक्शन ज़रूर देगा। आप किसी एक को थप्पड़ मारोगे वो पलट के आपको ज़रूर थप्पड़ मारेगा, ठीक है। इसे एक बहुत मशहूर एक मिसाल दी जाती है। अब जैसे मैंने ऑब्जेक्ट मूव इट पुशेज़ द फ्लूइड, तो अगर एक ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो वो फ्लूइड के ऊपर मूव कर रहा है, वो अपना क्या कर रहा है, एक्शन कर रहा है, ठीक है। अब जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये फ्लूइड के ऊपर मूव कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, मूव इट पुशेज़ द फ्लूइड, वो फ्लूइड को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, आगे जाने की कोशिश कर रहा है। तो फ्लूइड भी क्या करेगा, इसको पुश बैक करेगा, ये आगे जाने के लिए पुश कर रहा है और वो उसको इन रिटर्न ये एक्शन कर रहा है, ठीक है। तो फ्लूइड भी इसके ऊपर रिएक्शन करके इसको दोबारा पीछे धक्का देगा, तो वो आगे चीज़ जा नहीं सकेगी। ये धक्का दे रहा पानी को आगे जाने के लिए, क्योंकि पानी के साथ बहता हुआ इसने जाना, ये पानी को धक्का दे रहा कि मैं आगे जाऊँ, वो एक्शन कर रहा है, आगे से जो पानी है वो रिएक्शन करेगा और वो इसको आगे वो इसको वापस से पीछे भेजेगा, वो भी इस पर धक्का लगा के इसको पीछे भेजेगा। अगर ये धक्का लगा के पानी को आगे भेज रहा ना, तो ये भी धक्का लगा के इसको पीछे भेजेगा। तो व्हेन ऑब्जेक्ट मूव इट पुशेस द फ्लूइड, वो फ्लूइड को खींचता है, वो एक्शन कर रहा है, एंड फ्लूइड पुशेस बैक अगेंस्ट द ऑब्जेक्ट, वो भी इसको पुशेस बैक करेगा, पीछे धक्का देगा, वो उसका रिएक्शन होगा, मेकिंग इट हार्डर फॉर ऑब्जेक्ट टू मूव, और इसलिए ऑब्जेक्ट का मूव करना मुश्किल हो जाएगा। ये लिक्विड्स लगाते हैं फ्रिक्शन, उसको रोकने से, मूव करने से रोक रहे हैं, इसलिए इनको बोलते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। अब डिपेंडेंस के फैक्टर्स कौन से हैं जो फ्लूइड फ्रिक्शन पर डिपेंड करते हैं, ये कौन से फैक्टर्स हैं फ्लूइड फ्रिक्शन के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट में आ सकता है। आपके पास साइज, शेप और सरफेस एरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वेलोसिटी और थिकनेस ऑफ फ्लूइड। जैसे हनी है उसमें ज़्यादा मुश्किल होती है, अगर ज़्यादा थिक होगा फ्लूइड तो ज़्यादा मुश्किल होगी ऑब्जेक्ट्स के लिए मूव करना, उसमें फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगी। जैसे हनी है, हनी थोड़ा थिक होता है। अब वेलोसिटी क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो तेज़ी से मूव करना चाह रहा है तो इस फ्लूइड के ऊपर वो तेज़ी से मूव करना चाहेगा, जैसे उसकी स्पीड तेज़ होगी तो ड्रैग फोर्स, उसको रोकने वाली फोर्स भी बढ़ जाएगी, तो वो इसने स्पीड तेज़ की वो ड्रैग फोर्स भी ज़्यादा बढ़ गई और उसने इसको रोकने से जो है वो मना कर दिया, तो वो नहीं, वो इसको रोकने की कोशिश करेगा तो वो इसको रोकेगा, और जैसे ही इसकी स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि ड्रैग फोर्स बढ़ जाती है, ड्रैग फोर्स मतलब जो उसको रोकती है, रेजिस्टिव फोर्स, रोकने वाली फोर्स। साइज़, शेप एंड सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है, अगर साइज़ बड़ा होगा ना तो फ्लूइड को डिस्टर्ब कर रहा है बेसिकली, तो अगर साइज़ हमारे पास क्या होगा, बड़ा होगा तो वो उसके ऊपर ज़्यादा ड्रैग फोर्स, रोकने वाली फोर्स ज़्यादा लगाएगा, तो वो उसको मूव नहीं करने देगा। और शेप पे कैसे डिपेंड करता है, अब शेप इस तरह से कि अगर हमारे पास जो शेप है ऑब्जेक्ट्स की वो स्मूथ है, जैसे आपके पास एरोप्लेन्स वगैरह की भी स्मूथ शेप होती है, तो फ्लूइड उसको आसानी से जो है फ्लो करने देगा और फ्रिक्शन भी कम लगाएगा। और अगर शेप जो है वो इररेगुलर सी है, ठीक है, स्मूथ नहीं है, इररेगुलर है, तो फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा, ठीक है। अगर शेप ही ऐसे इररेगुलर सी है तो फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा, और अगर स्मूथ सी शेप है, कोई भी स्मूथ सी शेप है, तो उसके ऊपर फ्रिक्शन कम लगता है। अब आपको ये शेप का तो पता है, अगर ज़्यादा बड़ी शेप होगी तो आप देखो उसका फ्लूइड के साथ कांटेक्ट ज़्यादा है ना, तो फ्रिक्शन भी ज़्यादा लगेगी। और अगर छोटी सी शेप है उसकी, ठीक है, इस तरह से शेप है कि फ्लूइड के साथ, देखो ये बेशक ऊपर से बड़ा है लेकिन फ्लूइड के साथ सिर्फ इतना सा एरिया कॉन्टैक्ट में है, तो फिर आपके पास फ्रिक्शन कम लगेगी। तो शेप मैटर करती है इसमें, देखो इतना ज़्यादा एरिया कॉन्टैक्ट में है फ्लूइड के साथ, तो इसमें जो है वो थोड़ा सा एरिया कॉन्टैक्ट में है, तो इसीलिए शेप्स आपके पास मैटर करती हैं। फ्लूइड फ्रिक्शन की एग्जांपल्स जो है, बेस्ट एग्जांपल स्विमिंग है, क्योंकि स्विमर्स भी जब आपके पास तैरते हैं तो वो उनके पानी उसके ऊपर फोर्स लगा रहा होता है, उसको मूव करने से रोकता है, इसलिए उनकी स्पीड जो होती है वो कम होती है। तो स्विमर्स फील रेजिस्टेंस, रुकावट फील करते हैं फ्रॉम वाटर, वाटर उसको, वाटर की रुकावट फील करते हैं जो उसकी स्पीड को स्लो कर देता है। अब हाउ टू ओवरकम फ्रिक्शन, जो स्विमर्स होते हैं वो अपने फ्रिक्शन को कैसे रोक सकते हैं, कैसे हटा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसे तो वो मूव नहीं कर पाएंगे। तो स्विमर्स जो होते हैं वो अपने साइज़, अपनी शेप वो चेंज करते रहते हैं, क्योंकि वो बेंड करते रहते हैं, अगर ठीक है आपने देखा होगा वो कभी हाथ पांव क्यों मार रहे होते हैं, क्योंकि अपना साइज़, अपनी शेप चेंज कर रहे होते हैं, वो बेंडिंग करके, ट्विस्टिंग करके, स्ट्रेचिंग अपनी बॉडीज़ को स्ट्रेच करके, तो इस तरह से वो अपनी जो उनके ऊपर ड्रैग फोर्स, रोकने वाली फोर्स है, उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब अगर आप फ्री फॉल देखो, जैसे फ्री फॉल की बेस्ट एग्जांपल है पैराशूटर, जैसे ही पैराशूटर जो होता है वो अपना पैराशूट नहीं खोलता तो वो एकदम से तेज़ी से नीचे गिरता है, तो स्पीड जो होती है फ्री फॉल की वो एकदम से इनिशियली इंक्रीजेस बढ़ती है, क्योंकि उनका वेट, क्योंकि उसके ऊपर सिर्फ एक वेट लग रहा होता है। जैसे ही पैराशूटर ने पैराशूट नहीं खोला तो वो तेज़ी से नीचे क्यों जाता है, क्योंकि उसका वेट, ग्रेविटी उसको एकदम से वेट लग रहा होता है नीचे की तरफ, उस पर वेट वाली फोर्स लग रही होती है, तो वो उसको एकदम से नीचे की तरफ खींच, जैसे ही पैराशूट खोल लेगा, अब उसने क्या कर लिया, पैराशूट खोल लिया। अब पैराशूट खोलने की वजह से अब पैराशूट के ऊपर एक फोर्स लगती है, और वो फोर्स आपके पास ड्रैग फोर्स होती है, क्योंकि ड्रैग फोर्स क्यों है, क्योंकि एयर, ये जैसे ही खुलेगा एयर हर तरफ से इसके ऊपर क्या करेगी, एक फोर्स लगाएगी, उसको बोलते हैं ड्रैग फोर्स।
अब जब ये ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है, क्योंकि ये हमेशा जो तो रोक रही है ना इसको, रोकने वाली मोशन हमेशा मोशन के ऑपोजिट होती है, फोर्स रोकने वाली फोर्स हमेशा मोशन के ऑपोजिट होती है, मोशन नीचे की तरफ है तो ड्रैग फोर्स उसके क्या रहेगी ऊपर। तो अभी देखो ये ऊपर है ये नीचे, दोनों एक दूसरे को वो बैलेंस कर देती हैं, और जैसे इसीलिए जब पैराशूट खुलता है तो फिर आप एक स्पीड से आहिस्ता आहिस्ता नीचे आते हो, क्योंकि दोनों बैलेंस हो जाते हैं, तो आप एक एक कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ नीचे आते हो। और जब तक पैराशूट नहीं खुलता तो ऊपर वाली कोई फोर्स नहीं लगती, इसीलिए जो होता है आप इधर उधर गिरते रहते हो, क्योंकि उस वक्त सिर्फ आपका एक वेट लग रहा होता है, वेट वाली फोर्स लग रही होती है, एक ही फोर्स लग रही होती है। जब पैराशूट खुल जाता है तो दो फोर्स लगती हैं और दोनों फोर्सेज बराबर होती हैं, तो आप एक कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ नीचे उतरते हो। तो स्पीड ऑफ द फ्री फॉल इनिशियली इंक्रीजेस, क्योंकि सिर्फ बिकॉज वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, सिर्फ आपके पास उस वक्त वेट जो होता है ऑब्जेक्ट का। द ड्रैग फोर्स ऑल्सो इंक्रीजेस, इवेंचुअली द वेट एंड ड्रैग फोर्स बिकम इक्वल, जब आपके पास ये दोनों इक्वल हो जाती हैं तो तब आपके पास क्या होता है, दे फॉल एट स्टेडी स्पीड, तो वो आपके पास एक ही स्पीड से नीचे उतरते हैं। इसी को आप बेसिकली टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी के मैक्सिमम स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट रीचेज व्हेन फॉलिंग एट दिस स्पीड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज बैलेंस्ड बाय द एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, वही टर्मिनल वेलोसिटी जिसके साथ वो पैराशूटर जो पैराशूट खुलने के बाद उतरता है ना, उसको बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। और ये तब आती है जब आपके पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी बैलेंस हो जाए एयर रेजिस्टर मतलब कि ड्रैग फोर्स के, सो ऑब्जेक्ट जो होता है वो स्टॉप गेटिंग फास्टर, वो उसकी ज़्यादा नीचे तेज़ी से नीचे आना बंद कर देता है एंड फॉल एट कॉन्स्टेंट स्पीड, और कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ नीचे उतरता है। इसी को आप बोलते हो टर्मिनल स्पीड। ये मैंने लिखा इसलिए लिखवाया कि आपके पास क्वेश्चन आ सकता था कि व्हाट इज़ टर्मिनल वेलोसिटी। अब बुक में इसका थोड़ा सा जिक्र भी हुआ था कि टर्मिनल स्पीड जो होती है वो एयर में वो आपके पास तकरीबन 53 मीटर पर सेकंड होती है, और अगर ये मीटर पर सेकंड में अगर किलोमीटर के रिस्पेक्ट से देखनी हो तो किलो 90 किलोमीटर पर और होती है। आफ्टर पैराशूटर ओपन, जब पैराशूट ओपन हो जाता है तब आपके पास टर्मिनल स्पीड जो होती है वो कम हो जाती है। देखो 53 से कितनी स्पीड हो गई, 5। पहले आप देखो एकदम से तेज़ी के साथ नीचे आते हो, क्योंकि उस वक्त आपके पास पैराशूट ओपन नहीं हुआ होता। तो और जब आपके पास आप देखो 53 से कितनी हो गई, 5, और 190 से कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकंड, तो कितनी स्पीड कम हो जाती है, इसलिए आप आहिस्ता आहिस्ता नीचे आते हो। उसके बाद है फ्रिक्शन डिसिपेशन। डिसिपेशन का मतलब होता है ज़ाया होना। अब फ्रिक्शनल डिसिपेशन का क्या मतलब है, कुछ फ्रिक्शन जो होगी वो ज़ाया, क्या मतलब फ्रिक्शनल डिसिपेशन इज द प्रोसेस, है वो प्रोसेस है वेयर एनर्जी इज लॉस्ट, जिसमें एनर्जी जो होती है वो लॉस्ट हो जाती है एज हीट ड्यू टू फ्रिक्शन। अब आपके पास जब भी दो चीज़ें जो होती हैं वो इन कॉन्टैक्ट में होती हैं तो कुछ एनर्जी ज़ाया हो जाती है। जैसे अब आपके पास ये चीज़ है और ये स्टैटिक फ्रिक्शन में हमने पढ़ा हुआ था कि स्टैटिक फ्रिक्शन इस ऑब्जेक्ट को बेसिकली मूव करने से रोकेगी, वो चाहेगी कि ये रेस्ट पे रहे, तो मुझे क्या करनी पड़ेगी, मेरी एनर्जी जो है वो आधी तो इसकी यहाँ से फ्रिक्शन से जान छुड़वाने में ज़ाया हो जाएगी। तो मैंने जैसे ही इसको फ्रिक्शन से आज़ाद करवाया ये मूव करने लग जाएगा, तो एनर्जी जो होगी वो क्या हो गई, लॉस्ट हो गई। ठीक है, तो और जब भी आपके पास जैसे टायर है और ये सड़क है, इसमें ऑब्जेक्ट रोल करता हुआ जब जा रहा है तो फ्रिक्शन है, तो आपके पास एनर्जी क्या हो रही होती है, ज़ाया हो रही होती है। तो फ्रिक्शन की वजह से बेसिकली आपके पास एनर्जी में लॉस्ट आ रहा होता है। जैसे और आपके पास जितनी भी मशीन्स होती हैं और जब आपकी ब्रेक भी लगती है एकदम से, ठीक है, और आप चल भी रहे होते हो, आपकी एनर्जी क्यों ज़ाया हो रही होती है, क्योंकि फ्रिक्शन लग रही होती है, तो इसलिए आपकी एनर्जी ज़ाया हो रही होती है। ठीक है, और जो एनर्जी ज़ाया होती है वो हीट के फॉर्म में ज़ाया हो जाती है। इसीलिए आपने नोट किया आपकी जो मशीन्स होती हैं वो गर्म क्यों हो जाती हैं चलते चलते, क्योंकि आपके पास कोई चीज़ है वो रोटेट कर रही है, जब वो रोटेट कर रही है ऐसे गोल गोल घूम रही है तो उसमें क्या आ रहा है, फ्रिक्शन आ रही है, तो ये फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही थी, इस वजह से आपके पास एनर्जी ज़ाया हो रही होती है इन टर्म ऑफ हीट, इसलिए आपकी जितनी भी मशीनरीज होती हैं वो गर्म हो जाती हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।